आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबरी कन्नौज उत्तर प्रदेश से, जहां गुरसहायगंज में 6 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना पर सपा नेत्री ने कलेक्ट्रेट पहुंच तहसीलदार को दिया ज्ञापन। कन्नौज के गोसाईगंज में शुक्रवार को 6 वर्षीय किशोरी के साथ हैवानियत भरी घटना सामने आई, जिस मामले में शनिवार को समाजवादी पार्टी की नेत्री महिला नेत्री सुषमा सिंह ने कार्यकर्ताओं सहित कलेक्ट्रेट पहुंचकर सदर तहसीलदार अरविंद कुमार को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएँ अपने चरम पर हैं। हाल ही में कन्नौज जनपद के गोसाईगंज में 6 वर्षीय किशोरी के साथ हैवानियत घटना सामने आई, जिन पर अंकुश लगने की तुरंत आवश्यकता है। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और उन्हें कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, महिलाओं बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएँ। इस अवसर पर सुनीता शर्मा, कमला कनौजिया, बबली दोहरे आदि लोग भी मौजूद रहे। कन्नौज से जिला संवाददाता शिवू सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। क्या नाम है आपका? शशिमा सिंह। आज किस कारण ज्ञापन था? आज मैं कन्नौज जनपद से गुरसाईगंज में जो 6 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, उसके संबंध में हम राज्यपाल महोदय जी के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जिसका माध्यम हमारे जिलाधिकारी महोदय रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने कन्नौज प्रशासन का, जिन्होंने हमारी बात सुनी व उचित कार्यवाही करने का पूरा वादा किया और उस बच्ची को सही तरीके से अस्पताल पहुंचाया कि आज वह बच्ची खतरे से बाहर है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ही अगर हमारे समाज में चलता रहेगा तो हमारी बच्चियाँ कैसे बाहर निकलेंगी, कैसे पढ़ाई करेंगी। और छोटी बच्ची के साथ ये होता है, और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपराध जन्म ले रहा है और हमारी सरकार उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। वह बहुत गरीब असहाय परिवार है, उसकी मदद कौन करेगा? वह तो शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि 10 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम परिवार को मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है और अन्य जगह के प्रशासनों को भी इतना सख्त किया जाए कि इस तरह के अपराधी बिल्कुल भी बचने नहीं चाहिए। जिस जगह देखा जाए कई घंटे बीत जाने के बाद ही आरोपी पकड़ा नहीं गया, अगर वो नहीं पकड़ा तो क्या आप लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समाजवादी लोग हैं, हमें लड़कर हक दिलाना आता है और हम लड़ेंगे। ये हमारा महिला मोर्चा है, हम मोर्चा खोलेंगे, हम आंदोलन और धरने पर। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।